पापा 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 कहाँ हुआ? पापा भी ना एकदम लगता है ना पता नहीं कहाँ। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ फाड़ कर अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो? अरे अपनी इसी एनर्जी को बचाकर किसी काम में लगाया कर जो अच्छा होगा, बस निकम्मों की तरह इधर उधर घूमते रहते हो। पापा मुझे 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 क्या लगा रखा है, आगे कुछ बोलेगा कि मुझे मुझे करता रहेगा? क्या हो गया तुझे? पापा मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। क्या 5 लाख रुपए चाहिए तुझे? अरे कभी तुमने अपनी जिंदगी में 5 पर 1 सुन्ना भी कमाया है क्या? कमा कर देख तो पता चलेगा 5 लाख रुपए होता है क्या? पापा वो समय कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे आज के आज पैसे चाहिए तो आज के आज पैसे चाहिए। अरे हुकूमत तो ऐसे चला रहा है जैसे इसके बाप के पास पैसों के पेड़ लगा। पापा पैसों के पेड़ नहीं लगे हैं, लेकिन वो पैसा कहीं से तो आता है ना, मुझे उसी में से 5 लाख रुपए चाहिए प्लीज। चुप करना लायक कहीं का, अब तुझे मैं उसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा और घर से भी बाहर निकाल दूंगा। पापा आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। क्या समझे क्या समझे? पापा मैं ये कह रहा था कि आपके जो 5 लाख रुपए है ना वो मैं 10 दिन में वापस कर दूंगा। क्या 10 दिन में? हाँ पापा हाँ 10 दिन में, 10 दिन में। आप मेरे पर एक बार विश्वास तो कीजिए और 5 लाख रुपए तो दीजिए। चुप कर गधे के औलाद। पापा मैं गधे के औलाद नहीं हूँ। और आप गधे नहीं है, आप भजन लाल शर्मा है, भजन लाल शर्मा। अरे हाँ जो भी और हाँ जो 5 लाख रुपए मैंने 5 साल में मेहनत करके कमाए हैं वो तुम 10 दिन में वापस कर दोगे? हाँ पापा हाँ बस 10 दिन में वापस कर देंगे। अरे कौन सा ऐसा पेड़ लगा जो तू 10 दिन में वापस कर दोगे? पापा पेड़ नहीं लगा है, लेकिन अगर अब आप और लेट कर दीजिएगा तो शायद मेरे हाथ से 10 लाख रुपए भी चले जाए। क्या 10 लाख रुपए? हाँ पापा हाँ 10 लाख रुपए। अरे नालायक कहीं का, कहीं तुमने चोरी का काम तो शुरू नहीं कर दिया? पापा ये चोरी का काम नहीं है, ये डबल का काम है, डबल का। क्या डबल का? ये डबल का क्या चक्कर है? पापा मुझे ऐसे इंसान से मुलाकात हुई थी जो इंसान है कि 1 का 2 करके देता है, 1 का 2। अरे यहाँ कोई 1 का 1 देने को तैयार नहीं होता और तुमको 2 देगा? हाँ पापा 2 देगा 2। अब मुझे लगता है ना तुम फिर फिकर आए हो, चल निकल जा मेरे सामने से। पापा आप कभी नहीं सुधरोगे, मैं 1 का 2 करके दिखाऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, आपका खून करना पड़े, चोरी करना पड़े, डकैती करना पड़े, लूटपाट करना पड़े, या किसी का रेप करना पड़े, मैं सब कुछ करके 1 का 2 करके दिखाऊंगा। अरे तुम्हें हम जाओ जाओ निकल जाओ, तुम्हें हम पैदा करके ही पछता रहे हैं नालायक कहीं का। भजन लाल शर्मा घर पर ही है क्या? हाँ जी घर पर ही है, आप कौन? जी मैं छपरीपुर से डॉक्टर झोलझल शर्मा जी, आपने मुझे इलाज के लिए बुलाया था। जी डॉक्टर साहब अंदर आ जाइए। जी ठीक है। ये तो कुर्सी वर्सी सब लगा कर रख ले, भजन लाल शर्मा तो बड़ा एकदम फिट आदमी है। जी प्रणाम डॉक्टर साहब। भजन लाल जी आइए बैठिए बैठिए। सुबह से तो हम एक के गो क्या बताएं, बड़ा दूर से आना पड़ता है ना, थोड़ा बड़ा कष्ट होता है, एकदम स्पेशल के लिए आए हैं खाली। हाँ तो बताइए भजन लाल जी क्या प्रॉब्लम है आपको? डॉक्टर साहब प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ दिनों से मेरा दिमाग मेरे बस में नहीं है। अरे बाप अरे बाप, ये तो बड़ा खतरनाक बीमारी पकड़ा है आपको जी, इसको जानते हैं कौन सी बोलता है? इसको बोलता है दिमाग का दही होना। क्या डॉक्टर साहब अभी मजाक करते हैं, भला कोई बूढ़ा आदमी से मजाक करता है क्या? अरे मजाक तो आप कर रहे हैं जी, भला आपका दिमाग किसी और के बस में कैसे हो सकता है? अरे खैर छोड़िए बताइए और तबीयत को क्या हुआ है? जी डॉक्टर साहब सुबह से 8-10 बार पैखाना जा चुका हूँ, लेकिन पैखन में नहीं होता है, पता नहीं क्या हो गया है, हमको लगता है ना डॉक्टर साहब नलिए जा। अच्छा ऐसा बात है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और क्या दिक्कत है आपको? जी डॉक्टर साहब मुहमा तिता तिता जैसा लग रहा है और डॉक्टर साहब ढेकारम धुआं धुआं जैसा हो रहा है। ओहो अब समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब? आप
खाने में जरूर मूली का पराठा खाए होंगे। हाँ डॉक्टर साहब आप सही बोले, एगो न चर चर पराठा लपेट मारे हैं। हमको योग नहीं मिलता है, अब चर चर को लपेट मारे हैं, इसीलिए तो पेट में एकदम घुमड़ गया है, घुमड़ के इसे बीमारी हो रहा है। खैर कोई बात नहीं है, हम आपको दवाई दे देते हैं, ठीक है जी। और दवाई आपको सुबह शाम खा लेना है और सब बीमारी ठीक हो जाएगा, ठीक है जी डॉक्टर। धरिए इसको, धरिए इसको भी धरिए। हो गया आपका, सुबह शाम तीनों से खा लेना है, ठीक है। खाना खाकर डॉक्टर साहब? हाँ सुबह खाना खाकर, सांझ के भी खाना खाके, ठीक जी, ठीक हो जाएगा, ठीक है ने? जी डॉक्टर जी, पूरा 340 रुपया हो गया जी डॉक्टर साहब। बहिया में लिख लिया जे बेटवा नालायक न हो गया डॉक्टर साहब, कमाईबे नहीं करता है, अब की बार हम दे देंगे डॉक्टर साहब, अबरी बार लिख लीजिएगा। उसका हम ठीका लेके रखे हैं, इस बार लिख लेंगे बही में, लेकिन अगला बार हम नहीं छोड़ेंगे जी डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा अपना सेहत का, ठीक जी। प्रणाम डॉक्टर। हाँ हाँ ठीक, खुश रहिए। प्रणाम। भजनलाल है क्या? भजनलाल, अरे भजनलाल अंदर ही है क्या? पता नहीं कहाँ रहता है, दरवाजा खोलेगा कि दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाए हम। पता नहीं कौन सुबह सुबह आ गया दरवाजे पे भीख मांगने के लिए। आओ साला चौथा, कहीं का हम भीख मांग आए हैं? क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह आ गया दरवाजे पे भीख मांगने के लिए? अरे तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? जाओ यहाँ से। अरे जाओगे तो तुम अब अंदर, और हम हैं ढोकला पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर दोगला राम दिलवाले, तुमको ले जाने आया। क्षमा सर, क्षमा सर, हमसे गलती हो गई आपको पहचानने में गलती हो गया। चोटा कहेगा तुमको कपार पर टोपी, देह में वर्दी, हाथ में डंडा नहीं दिख रहा है, एक छोटा लगेगा तो तुरंत पहचान जाएगा तुम। वैसे कौन सा जुर्म में आप मुझे लेने आए हैं? अपहरण, अपहरण के जुर्म में। क्या अपहरण? पर मैंने कोई अपहरण नहीं किया है सर। अरे तुमको कहेगा तुमने अपहरण नहीं किया है, तुम्हारा जो इकलौता सुपुत्र है ना उसने अपहरण किया उसने। क्या अपहरण? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है इंस्पेक्टर साहब, नहीं कर सकता है। अरे चट्टा कहीं का, तुम्हारा बेटा ऐसा कर नहीं सकता है, नहीं तुम्हारा बेटा ऐसा कहीं का रख दिया है, वो भी ऐरा गैरा के लड़की को लेकर नहीं भागा है। चट्टा कहीं का हमारा बेटी को लेकर भाग गया है, हमारा नाक कटा कर रख दिया पुलिस डिपार्टमेंट में। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। चट्टा कहीं का, तुमको घर पर मार देंगे कार्डन का, तुम्हारा बेटा कहाँ है, निकालो जल्दी उसको घर से बाहर निकालो। इंस्पेक्टर साहब वो घर पर है ही नहीं, वो हमसे झगड़ा करके भाग गया है। अरे साला तुम कहीं का, इसका मतलब तुम बाप और बेटा दोनों मिला हुआ है, चट्टा कहीं का वो घर पर लेके आया होगा और तुम उसको यहाँ से फरार कर दिया। तुमको कह देते हैं, चट्टा समझा देते हैं, 24 घंटा के अंदर तुम्हारा बेटा अगर पुलिस स्टेशन में दाखिल नहीं हुआ तो तुम्हारा घर का कुर्की जब्ती अगले 36 घंटे के अंदर हो जाएगा, समझे? घर का कुर्की जब्ती तो तब ना होगा इंस्पेक्टर साहब जब घर इसके नाम से होगा, और इसका बेटा तो घर क्या हमारा घर हमारा नहीं हो सकता? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारा घर हमारा ही नहीं रहेगा, और आप कौन हैं? वाह जी वाह, क्या बात है, हमसे पूछ रहे कि आप हैं कौन? अरे हम हैं धनसेठ ज्ञानचंद पेलू, और जो ये आपका घर है ना, ये घर अब हमारे नाम से, हमारे नाम करके चला गया है, ठीक है। अरे छत्ता, तुम बाप और बेटा मिलकर कहीं खेल खेला है हम लोगों के साथ, ये चाल चला है तुम, हम लोगों को ठगी किया तुम हम लोगों के साथ, ठीक है, समझ गए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल एकदम एक नंबर की बात कह रहे हैं, इच्छाला चोट्टा है ये है। एक काम कीजिए, हमारे हाथ में पेपर है, पेपर चेक कर लीजिए, ठीक है, दिखाइए। भजनलाल शर्मा बाप का नाम और बेटा का सिग्नेचर है। अरे चट्टा कहीं का, अगर तुम्हारा बेटा ये घर नहीं बेचा है, ये कागज क्या है? ओरिजिनल कागज है चट्टा कहीं का, देखो देखो, पकड़ो तुम इसको। देखे सर, देखे सर करता है। आप एक काम कीजिए, आप अपना घर को पकड़िए, ठीक है, ये चट्टा को हम अब ले जाएंगे पुलिस स्टेशन, ये चट्टा का घर यहाँ पे नहीं है, ये पुलिस स्टेशन जाएगा। इंस्पेक्टर साहब हम तो लूट गए अब। अरे लूट गए तो बर्बाद हो गया, चट्टा कहीं का हम सब कुछ नहीं जानते हैं, चलो तुम साला चट्टा कहीं का, चलो तुम पुलिस स्टेशन, चलो तुम साला चट्टा कहीं का। बेटा यहाँ घर बेच दिया, अब बाप कहता कि हमारा घर हमारा ही रहेगा, अब यह घर हमारा हुआ।